नमस्कार जी, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका नंबर कैंडल मोड है। जो बर्थडे में नंबर्स लगते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपको आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप कैंडल बना सकते हैं नंबर कैंडल मोड। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि धागा किस तरह से लगाना है, क्योंकि इसमें धागा थोड़ा अलग तरीके से लगता है ताकि धागा कैंडल्स के सेंटर में आए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं और इसी तरह से सेम आपने धागा लगाना है। ये धागा कैंडल के बिल्कुल सेंटर में आएगा। जो नॉर्मली कैंडल में धागा लगता है, जो नॉर्मली नॉर्मल मोल्ड होते हैं, उस तरह से इसमें के अंदर धागा नहीं लगेगा, थोड़ा अलग तरीका उसका होता है, आप ध्यान से देख लें। इसी तरह से सेम आपने धागा लगाना है और बहुत ही अच्छी कैंडल बनती हैं, आप देखेंगे। और ये आपने लास्ट में आकर के धागे को बांध देना है और फिर आपने इसके अंदर वैक्स डाल देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब हमने इसको जो दो प्लेटें होती हैं अलग अलग, उसके अंदर इसको हमने डाल देना है। धागा लपेटने के बाद हमने इसके अंदर लगा देना है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि धागा बिल्कुल सेंटर में है और जो धागा हमने आपको बताया है कि इस तरह से धागा लगाना है, सेम उसी तरह से धागा लगेगा, नहीं तो आपका कैंडल नहीं बनेगा। ये आपका बहुत ही अच्छा मोल्ड है। अब इसमें ये वैक्स डालने के लिए रेडी हो गया है। इसमें दो मोल्ड होते हैं, एक मोल्ड होता है 1 से 5 तक का और दूसरा होता है 5 से 10 तक का, यानी कि एक 0 से 9 तक के नंबर्स इसमें होते हैं। और इसमें आप कलर कैंडल भी बना सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो वाइट कैंडल है, लेकिन इसमें आप मल्टी कलर कैंडल भी बना सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे किस तरह से बना सकते हैं। अभी जैसे वैक्स जो है, पैराफिन वैक्स जो है, हमने मेल्ट करके रखा है। अब हम दोनों में हमने धागा लगाने के बाद इसमें हमने वैक्स डाल देना है। और धागा लगाने से पहले आपको उसमें ऑयलिंग भी करनी है, लुब्रिकेंट भी करना है। जैसे इसमें डीजल लगा देना है, सरसों का तेल डाल करके डीजल लगा देंगे। उसके बाद हमने इसमें ये पैराफिन वैक्स मशीन में डाल दिया। लगभग 5 से 10 मिनट में ये आपका तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, थोड़ा एक्स्ट्रा वैक्स दमकर डालना है ताकि अच्छी जो है कैंडल में कहीं जो है गैप ना रहे और अच्छी कैंडल बने। लगभग 10 मिनट छोड़ देने के बाद में हमने इसको खोलना है। अभी आप देखेंगे 10 मिनट छोड़ने के बाद में वैक्स थोड़ा टाइट होने लग गया है, थोड़ा ड्राई हो गया है वैक्स। अब इसके अंदर जो है कैंडल अंदर बन चुकी होंगी, लेकिन थोड़ी जो है नर्म होंगी, तो अभी इसको हम नहीं खोलेंगे। 10 मिनट बाद वेट करने के बाद हमने इनको जो ऊपर का जो स्लाइडिंग होती है, एक पट्टी होती है, उसको हमने निकाल दिया। और जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है ऊपर का, उसको हमने चाकू से या स्क्रैपर से निकाल देना है। ये देखिए ऊपर का एक्स्ट्रा वैक्स जो है वो हमने निकाल दिया, अंदर कैंडल तैयार हो चुकी है। और फिर हमने इसको खोलना है। जो दूसरा वाला है उसका भी निकाल लेते हैं। ये हमने इसका दूसरा वाला निकाल लिया था। इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है कैंडल धागा लपेटने का और धागा कैंडल बाहर निकालने का, वो लगभग पूरा 10 10 मिनट के आसपास आपको इसमें समय लगता है। जो घर पे या अपना जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। नंबर कैंडल्स का, नॉर्मल कैंडल्स का मशीनें भी होती हैं, नंबर कैंडल की तो खैर मशीनें नहीं होती हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने जो क्लिप हैं वो क्लिप निकाल करके हमने डाइयों को या प्लेटों को अलग अलग निकाल लेना है। ये हमने इसकी डाइया खोल ली हैं, बिल्कुल निकल गई। और जो दूसरी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों हमने निकाल लेनी है, दोनों आपकी निकल रही हैं। ये देखिए अब इसके अंदर क्या है कि दोनों तरफ जो है ना हमने प्लेटें निकाल दी हैं, जिससे कि डिजाइन बनता है। और ये देखिए ये आपका कैंडल, ये आपका 6 7 8 9 और 0 कैंडल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम कैंडल को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं। इसके अंदर से दोनों में मशीनें तैयार हो चुकी हैं, दोनों मशीनें जो हैं दोनों बोल्ट तैयार हो चुके हैं। इनको खोल करके अब कैंडल को बाहर कैसे निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही कैंडल बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो देखिए, दोनों कैंडल को बाहर कैसे निकालना है। अगर आप जो है एक ही बार में कैंडल को बाहर निकालेंगे तो कैंडल टूट सकती है। कैंडल को बाहर कैसे निकालना है वो दिखाते हैं आपको। अब ये 1 से यानी कि 0 से और 9 तक सभी कैंडल जो है 10 मिनट में आपके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए 0 से 9 तक का पूरा मोल्ड आपका
तैयार हो चुका है। अब बस कैंडल आपने बाहर निकालना है। कैंडल बाहर निकालने के लिए आपको आपको देखेंगे इधर जो अभी जिस साइड में अभी प्लेटें रखी हैं उस साइड से कैंडल बाहर निकलेगा। जिस साइड में प्लेटें रखी हैं फिलहाल उस साइड से ही कैंडल बाहर निकलेगा। ये देखिए, ये नंबर वन कैंडल बाहर निकल गया। ये देखिए अभी जलने के लिए तैयार है। अब हमने आपको बताया था कि इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मल्टी कलर में कैसे बनाएंगे? अभी जैसे आपने देखा ये वाइट है, ओके जी। अब वाइट है तो मल्टी कलर में कैसे बनाएंगे? मल्टी कलर में बनाने के लिए अब ये जो नंबर वन कैंडल निकली है, एक बर्तन में आप जो है सपोज करो आपने रेड कलर डालना है और एक में आपने येलो डाला है सपोज करो, तो एक नंबर को या दो नंबर को जो भी आपको कैंडल को मल्टीपल बनाना है, एक साइड से आधा उसको जो कलरफुल आपने पैराफिन वैक्स को गर्म किया एक तरफ से आधा डालना है और दूसरी तरफ से येलो वाले में डालना है, एक तरफ से आपको रेड वाले में डालना है। तो उससे क्या होगा कि आधा कैंडल जो है आपका रेड हो जाएगा और आधा येलो हो जाएगा और जो भी सेंटर का बीच का जो है वो आपका वाइट रहेगा। तो ये मल्टी कलर यानी कि तीन कलर में आपकी कैंडल बन गई। आप इसको और भी कलर बना सकते हैं लेकिन इतना वो काफ़ी होता है मल्टी कलर में बनाने के लिए। तो कैंडल तो निकालने का तरीका जो है हमने आपको बता दिया है। इस तरह से कैंडल निकालने हैं, जो एक्स्ट्रा धागा होता है या वैक्स होता है उसको निकाल सकते हैं। बार ये देखिए 1 से 4 तक के 5 तक के कैंडल निकल गए हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी मतलब फिनिश इसमें आती है। इस तरह से हम सारे कैंडल निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं कैंडल मशीन की। ये तो मोल्ड हो गया। मोल्ड हमारे पास लगभग सभी तरीके के मिल जाते हैं लेकिन मोल्ड की डिमांड आजकल कम रहती है क्योंकि मार्केट में जो है फिनिश प्रोडक्ट मांगते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मांगते हैं। ये जो नंबर कैंडल मोल्ड है ये तो फिनिश अच्छा बन जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली कैंडल होती हैं 1 रुपये वाली, 2 वाली, 5 वाली, 10 वाली या दिवाली वाली, उसमें थोड़ा फिनिशिंग कम रहता है। तो उसके लिए या तो आप मोल्ड से ही आप काम करिए या फिर हमारे पास में मशीनें भी मिलती हैं, कैंडल मेकिंग मशीन, मैनुअल कैंडल मेकिंग मशीन होती है। उसमें आप जैसे हर साइज़ की अलग अलग मशीनें बनेंगी आपकी, 2 रुपये वाली मोमबत्ती के लिए अलग, 5 वाली के लिए अलग, 10 वाली के लिए अलग, 15 वाली के लिए अलग, 1 रुपये वाली के लिए अलग, या अभी जो भी आपका साइज हो, साइज कुछ भी हो सकता है आपका, 6 mm से लेकर के 30 mm तक कोई भी साइज हो सकता है डायमीटर में। लेंथ एडजस्टेबल है, लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा डिटेल लेना चाहते हैं कैंडल मशीन का या मोल्ड का तो आप हमारे इस नंबर पे 9716166130 पर पे आप हमको व्हाट्सअप भेज सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप आपको किस तरह से भेजना है? कैंडल मेकिंग मशीन, जैसे हाई लिख करके भेजना है ऐसे नहीं, कैंडल मेकिंग मशीन लिख करके आप भेज दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये आपके देख रहे हैं कैंडल मेकिंग मशीन, ये कैंडल मोल्ड का जो है एक्स्ट्रा वैक्स जो हमने निकाल दिया, ये नंबर कैंडल सब तैयार हो गए हैं मल्टीपल बनाने के लिए। मल्टी कलर बनाने के लिए आप इनको कलर में जो है डाल करके इनको मल्टी कलर बना सकते हैं। तो कैंडल मेकिंग मशीन हमारे पास सभी मिल जाती हैं, 2 रुपये वाली, 5 वाली, 10 वाली, सब जो भी आप साइज़ बोलेंगे डायमीटर में, 6 mm, 7.5 mm, 9.5 mm, 10 mm, 12 mm, जो भी आप साइज़ बोलेंगे उस मशीन में आपकी बन जाती है। मशीन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन प्रोडक्शन उसका अच्छा होता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है मशीन में। मशीनें दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एल्यूमिनियम में जिसमें आपके एल्यूमिनियम पाइप लगते हैं और एक होती है ब्रास में जिसमें आपके ब्रास के पाइप लगेंगे। एल्यूमिनियम के मुकाबले ब्रास में दोनों में बस डिफरेंस यही है कि आप ब्रास में जो है पैराफिन वैक्स निकाल सकते हैं और एल्यूमिनियम में आप दो तरह का कैंडल निकाल सकते हैं। इसमें आपका स्टेरिक भी निकल जाएगा और उसमें आपका पैराफिन वैक्स भी निकल जाएगा। लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो जब आपसे बात होगी, आप इंटरेस्टेड होंगे या आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कैपेसिटी का होता है। तो 2 रुपये वाली मोमबत्ती मशीन है जैसे 300 कैंडल बना सकते हैं आप, 5 वाले में 200 बना सकते हैं, 10 वाले में 120 बना सकते हैं, या उससे छोटी मशीनें भी होती हैं, 32,000 की भी होती है, 48,000 की भी होती है, 50,000 की भी होती है, 55,000 की भी होती है। तो वो अलग अलग साइज है, आपके कैंडल पे डिपेंड करता है, कैंडल का साइज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो सब डिपेंड करता है। तो बस यही जानकारी है मैं कैंडल मेकिंग मशीन के लिए। मशीन की फुल वारंटी होती है 2 साल की, 2 साल की हम वारंटी देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे मैनुअल मशीन है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी कैंडल मेकिंग मशीन है, इसमें कलर कैंडल बन रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये दिवाली वाली कैंडल है, लगभग 2 रुपये के आसपास आपका ये कैंडल मशीन होगा। सिंपल है, मैनुअल मशीन है, वाटर टैंक होता है,
कैंडल को ठंडा करने के लिए, कैंडल पाइप को ठंडा करने के लिए, जिससे कि आपका साइकिल कम हो जाए, यानी कि आपका कैंडल 10 मिनट में तैयार हो जाए। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 9716161630। आप इस पे हमको अपना व्हाट्सएप लिख करके भेज दीजिए, और खाली जानकारी के लिए खाली आप फ़ोन ना कीजिए। अगर आपको खाली जानकारी चाहिए, जानकारी हमने आपको जो है लगभग आपको हमने सारी जानकारी दे दी है, जो मार्केट की जानकारी है कि आपका कैंडल कितने में सेल होगा, कितने में आपको वैक्स मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वैक्स जो है पैराफिन वैक्स मार्केट में 90 रुपये के आसपास है, 90, 92, 95 के आसपास है, कम ज़्यादा होता रहता है। और जो आपका सेल आउट है वो लगभग आपको इस पर 30% आपको नेट प्रॉफिट आता है कैंडल पे, 30% नेट प्रॉफिट आता है, इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। 30% आप इसमें मार्जिन कमा सकते हैं। एक मशीन एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट करने पर आप 2000 रुपये तक कमा सकते हैं, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं मार्केट में। और ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ये रहती है कि वैक्स कहाँ मिलेगा, वैक्स कहाँ मिलेगा। वैक्स लगभग हर सिटी में, लोकल सिटी में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके आसपास की सिटी में नहीं है तो पास की सिटी में आपको मिल जाता है। नॉर्मली हर जगह वैक्स मिल जाता है, नहीं तो दिल्ली, बेंगलोर, कैलकटा, बिहार में जैसे बरौनी, हर जगह मुंबई में मिल जाता है, हर जगह पुणे, नागपुर, सब जगह मिल जाता है। तो वैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्स रॉ मटेरियल हर जगह मिल जाएगा आपको। मशीन जो है हमारे पास दिल्ली गुनिया एंटरप्राइजेस से मिल जाएगी, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर, लाइक, अपना कमेंट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट्स जरूर डालें। धन्यवाद। गुनिया एंटरप्राइजेज, न्यू दिल्ली।